हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है टेक पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूकेपीएससी ने अभी 2 दिन पहले जो है यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो है सिलेबस जारी किया है, और आप लोग आजकल जान ही रहे हो कि यूकेपीएससी हो चाहे यूके ट्रिपल एससी हो, जैसे ही एग्जाम अनाउंस कर रहे हैं और उसके एक से सवा एक महीने में वो एग्जाम को कंडक्ट भी करा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर यूकेपीएससी ने पॉलिटेक्निक लेक्चरर का सिलेबस जारी किया है तो ये जरूर है कि जल्दी ही यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी भी जो है वो निकालने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को जल्दी जो है यहां पर प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और क्योंकि इसके बाद जो है वैकेंसी अनाउंस होने के बाद आप लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए आज जो है हम एक कोर्स यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। उस कोर्स से पहले इसका क्या क्या चीजें इसमें रहने वाली है उस चीज को हम डिस्कस करेंगे, फिर इसकी क्या फीस रहने वाली है उसको यहां पर डिस्कस करेंगे। तो कोर्स से रिलेटेड जो है क्या क्या चीजें इसमें रहेगी, किस प्रकार से जो है हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में आप लोगों को प्रदीप सर बताएंगे। उसके बाद जो है कोर्स के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले मैं प्रदीप सर से। धन्यवाद सर। देखिए दोस्तों, इस सेशन की खूबी आपको पता लगी गई है कि हम लेक्चरर जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है उसके रिगार्डिंग पूरी कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं केसी सर और मैं। बट इससे पहले आपने देखा परसों का लेक्चर काफी लोगों ने देख लिया होगा, तो मैंने आपको बताया कि यूकेपीएससी ने, लोक सेवा आयोग उत्तराखंड ने आपको सिलेबस डाल दिया है, नया अपडेटेड चेंजेस सिलेबस। मैंने कहा था आपको कि पहले जो है ऐसा नहीं था, पहले पूरा जीएस आता था जो कि बहुत ही बेकार सिलेबस था। सच में अगर एक टेक्निकल बंदा इस पेपर को देख रहा है, लेक्चरर बन रहा है, तो भाई जीएस के थोड़ी बन रहे हो, तुम सिविल के बन रहे हो, तो सिविल पढ़वाओ ना। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि 300 मार्क्स कंप्लीटली आपका टेक्निकल है, बहुत ही मजेदार चीज है। मैं तो बहुत ही खुश हुआ इस सिलेबस को देख के, और मुझे लगता है मेरे जैसे जितने भी सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग हैं सब खुश हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम सेशन की। लेकिन सबसे पहले बात यह है, जैसे कि सर ने भी बताया, बहुत ही गहराई से बात बताई है कि लोक सेवा आयोग हो या यूके ट्रिपल एससी हो, आपको समय नहीं दे रहा है। आपको समझदारी अंदर से लेनी पड़ेगी कि बेटा जैसे ही अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं ना, वैसे ही आप बहुत पीछे हो जा रहे हो। क्योंकि जो समझदार बालक है ना, वो समझ गया है कि सिलेबस दिया है, सिलेबस अपडेटेड दिया है, इसका मतलब बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, और नोटिफिकेशन के बाद समय नहीं मिलेगा। अरे देख भी रहे हैं आप, बहुत सारे एग्जाम आप पीछे देखो, लोक सेवा आयोग के कैलेंडर देखो ना एक बार, सब कुछ पता लग जाएगा। तो दोस्तों आज का जो सेशन है ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपके जबरदस्ती बोल रहे हैं कि कोर्स परचेज करो, ऐसा कुछ नहीं है। साफ साफ पहले ही सर का भी यही कहना और मेरा भी यही कहना है, आज हम आपके लिए किस तरीके से हेल्प करेंगे। दोस्तों इतने सालों का, इतने 10 से 12 सालों का जो हमारा टीचिंग का अनुभव है, उस अनुभव से आपको क्या सीखने को मिलेगा, यहां पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2000-2500 उसकी बात नहीं है। बात यह है कि उस अनुभव का आप कैसा फायदा उठा सकते हैं, देखना ध्यान से। देखो दोस्तों, हमारा यहां पर कोई भी प्रेशराइज करने का मीनिंग कहीं से नहीं है कि आप हमारे कोर्स में इनरोल हो जाओगे तो आप 30 मार्क कहां बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला कंसर्न यह है, पहला पॉइंट यह है कि आपकी हेल्प कैसे हम कर सकते हैं। सुनो, हो सकता है कि कई लोगों ने ये सिलेबस देख भी लिया और हो सकता है कि कई लोगों ने नहीं भी देखा, तो पहली बात तो बता दें कि सिलेबस में 300 मार्क्स कंप्लीटली क्या है सर, सिविल का है कंप्लीटली। 100 मार्क्स क्या है सर, हिंदी है, तो मतलब कि आपका खेल जो है 400 मार्क्स का है। 50 नंबर फिर क्या होना है, इंटरव्यू होना है। तो आप देख रहे होंगे, इतना समझदारी तो आ ही चुकी है कि आपका 300 नंबर बहुत होता है, 300 नंबर टेक्निकल सर। तो इसका मतलब समझ गया आप कि सर टेक्निकल बहुत ही बहुत तरीके से चाहिए, लेकिन आपने सिलेबस की वीडियो देख ली मेरी, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस सर बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जैसे SSC JEE वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं, RRBJ ऐसा नहीं, बहुत तरीके से पढ़ना होगा, पूरा सिलेबस डिफाइन है। खैर उस बारे में तो सर लोग और हम लोग अभी धीरे धीरे आते हैं, लेकिन सर हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एक पॉइंट आपके दिमाग में डाला है कि हम कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं आपको कि हमारे साथ कोर्स में जुड़ें या कुछ भी करें, लेकिन आपके दिमाग की जो समझ जिसको बोलते हैं कि समझ, उस बात पे ले जा रहे हैं। देखो कैसे, देखो इतना ज्यादा सिलेबस है, देखो सिविल इंजीनियरिंग में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, पहली बात। दूसरा चीज, हिंदी का इतना चीज है, अगर कोई बच्चा अपने आप से कर सकता है तो बेझिझक मेहनत करिए, हम आपकी मार्गदर्शन में, अपने तरीके से पढ़िए। आप कॉल कर रहे हैं सर हमारा ये बताइए, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको अगर एक प्लेटफॉर्म पर एक पर्टिकुलर मार्गदर्शन में, साथ ही साथ एक टाइम बाउंडेशन के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम बाउंडेशन के साथ पढ़ना है, तो उसके लिए दोस्तों कोर्स डिजाइन करना बहुत जरूरी होता है, ये आप भी जानते हैं यार।
इसमें कोई दोराय नहीं है। तो चलिए हम आपकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं उस मुद्दों पर, देखिएगा ध्यान से। देखो दोस्तों, पॉइंट गिनाएंगे आपको कि आपके दिमाग में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो देखिएगा, हमारा मुद्दा आज की क्लास का मुद्दे पर आएंगे सबसे पहले कि मुद्दा केवल यूके पीएससी लोक सेवा आयोग पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पद के लिए, आप प्रवक्ता के पद के लिए हैं, लेकिन बीटेक जो बैचलर इन टेक्नोलॉजी सिविल ब्रांच का विद्यार्थी केवल उसके लिए सेशन है। जो विद्यार्थी रसायन विज्ञान, जो विद्यार्थी फिजिक्स भौतिकी से या मैथमेटिक्स से जो भी पढ़ना चाहता है या हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग सेशन होगा। केसी सर और मैं मिलकर उस पर प्लानिंग करेंगे सर, और फिर उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा केवल इस विद्यार्थी के लिए जो बीटेक सिविल हमसे जुड़ना चाहते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिमाग में बन रहा है कि हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, हम मतलब हम लोग क्या करने वाले, केसी सर हम लोग या हमारी टीम क्या करने वाले। जैसे कि इसमें बहुत सारे टीचर जुड़ने वाले हैं, हिंदी वाले जुड़ने वाले हैं, हिंदी पढ़नी है जी, है ना, और जैसे कि टेक्निकल में भी, क्योंकि इतना सारा वाइड सिलेबस है, तो उसमें हो सकता है कि जैसे कि सर ने अभी बात करी, सर से भी बात हुई कि अगर जरूरत पड़ती है हमें कि सिविल इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट मान लेते हैं एडिशनल पढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो और भी टीचर यहाँ पर और भी मेंबर जुड़ सकते हैं। पहली बात देखिए, हम क्या करने वाले हैं सर, सिविल का पूरा पोस्टमार्टम कराने वाले हैं। सिविल मतलब कि सिविल के जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट बोलें, आरसीसी स्टील सोम जो भी है, सीपीएम पढ़, ये सारी चीजें, ये नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट कहें इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन जो भी है, वो सारा का सारा ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं आपको, ये सारा का सारा पढ़ाने वाले हैं सिविल। इसके लिए टीम लगेगा, हो सकता है कि हम दोनों डील कर पाएं, या हो सकता है कि हमें लगा, जैसे कि अभी सर से बात हो रही है, कि लगेगा कि कुछ सब्जेक्ट अगर पढ़वाने की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, टीचर को हायर कर सकते हैं अपने साथ। अब आते हैं कि सिविल कैसे पढ़ाया जाएगा, तो प्योरली सर सीधे सीधे इसका आंसर है, सर इसका आंसर है एज पर सिलेबस, एज पर सिलेबस सर। अब हम जो है ना, आपको रिसर्च बिल्कुल नहीं कराएंगे यहां पर, रिसर्च करने का टाइम ही नहीं, आपको मास्टरी थोड़ी करानी है। सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस का पहला अगर आपका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के एक एक शब्द, एक एक पॉइंट अगर स्ट्रक्चर में लिखे हैं कि डीएस डीके से क्वेश्चन आएगा तो करवाएंगे, आपको लिखा है ट्रस करवाएंगे, आर्च लिखा है तो आर्च करवाएंगे, आईएलडी लिखा है तो करवाएंगे, मैट्रिक्स मेथड भी लिखा है तो करवाएंगे, फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट जो भी लिखा है जी, ऐसे ही आरसीसी में कॉलम बीम जो भी चीजें, मतलब कि एज पर सिलेबस एक एक चीज, एक एक सब्जेक्ट सारा का सारा आपको पढ़ाया जाएगा, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा। ये हमारी कमेंटमेंट है, और केसी सर हमारी कमेंटमेंट, आप समझ सकते हैं दोस्तों, जब जब किया है, जब जब कहा है किया है। अब आते हैं सर तीसरा पॉइंट कि हिंदी कैसे करें, अब आते हैं हिंदी कैसे करेंगे। हिंदी के लिए जैसे कि सर ने भी, सर से भी बात भी है इसके लिए स्पेशली, क्योंकि हम तो पढ़ाते नहीं है, ना ही पढ़ाएंगे दोस्तों, हम केवल इस पर डील करेंगे सिविल पे। हिंदी के लिए सर ने कहा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी टीचर होंगे तो वो आपको हिंदी पढ़ाएंगे अपने उसके अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको बहुत ही सरलतम भाषा में, सरलतम तरीके से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। कहने का मतलब है हिंदी भी पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं सर, ये सारे मुद्दे आपके दिमाग में डाल दिए हमने कि हम क्या क्या करने वाले, कैसे करने वाले। अब मुद्दा आता है कि सर कोर्स पर आप चाहें तो, अगर अपने आप से पढ़ना चाहते हैं, ये भी मैंने बता दिया था पहले, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे साथ पढ़ने का एकमात्र फायदा है आपका, क्योंकि सर यूके पीएससी आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है। अपने आप से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में या एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें कम से कम समय में मिल जा रही है, तो ये सबसे सुनहरा मौका है, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए, कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा, कोर्स में क्या सब्जेक्ट कैसे रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, टीचिंग का जो मेथडोलॉजी है, वो सारी चीजों पर अब सर हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको केसी सर को माइक देता हूं, क्या रहेगा आगे की प्लानिंग। धन्यवाद सर। तो जैसे कि सर ने आप लोगों को बताया है कि किस प्रकार से हम जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए पॉलिटेक्निक लेक्चरर का हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं और क्या क्या चीजें इसमें रहने वाली है। अब आप लोगों की बात है कि कोर्स ड्यूरेशन, सबसे बड़ी दिक्कत है इस ड्यूरेशन की, कि कोर्स ड्यूरेशन को समय के साथ समयबद्ध हमको इसको कंप्लीट करना है। तो ड्यूरेशन आपको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग में इतने सब्जेक्ट्स हैं और साथ में हिंदी है, तो ड्यूरेशन में कम से कम नहीं भी तो आपके 6 से 7 मंथ आपके लगते हैं। अगर हम प्रॉपर टाइम देखें तो 6 से 7 मंथ आपके लगते हैं, तो ये मानकर चलिए कि 6 से 7 महीने आपके लगेंगे। बट जिस दिन जो है यूकेपीएससी अनाउंस करेगा
इस वैकेंसी को और वो साथ के साथ उसकी डेट को अनाउंस करेगा, उसके हिसाब से फिर हम इसको मोल्ड करेंगे। अगर कम समय है तो नंबर ऑफ लेक्चर जो है, लेक्चर के आर जो है वो बढ़ जाएंगे और ड्यूरेशन इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अभी हमने माना है कि पाँच से छः महीने या 6 से 7 महीने में इस कोर्स को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे दोनों मिलकर, और साथ में एडिशनल टीचर जिनसे अभी बात चल रही है उनके साथ मिलकर जो है इसको कंप्लीट करेंगे, और हिंदी के बेस्ट से बेस्ट टीचर जो है आप लोगों को यहां पर हम प्रोवाइड कराएंगे। और अब आ जाते हैं असल मुद्दे की बात कि आप लोग कहेंगे कि जो है इसकी कोर्स फीस क्या होनी चाहिए। जैसा कि पिछले 2-3 सालों से आप लोगों ने देखा है कि जो टेक पाठशाला का है वो सभी बच्चों के लिए जो है वो बहुत कम फीस में पढ़ाने में हमारा जो है बहुत रोल रहा है। तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज भी हम जो है इस पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो हमने फीस रखी है बहुत नॉमिनल फीस रखी है, और ये जो है अगर हम फीस की बात करें तो वैसे तो इसकी फीस जो है 5000 हमने रखी है, बट अगर हम बात करते हैं कि जैसे ये वीडियो अनाउंस हो जाएगी तो पहले 10 स्टूडेंट के लिए 2499 रखी जाएगी, और उसके बाद जो है ये फीस लगभग 3000 इसकी फीस हो जाएगी, और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हमको वैसे बढ़ना नहीं चाहिए, बट 3000 तक ये फीस जा सकती है। तो अभी जो है वो 2499 इसकी फीस रखी गई है, और अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को आती है कोर्स से रिलेटेड आती है तो आप इस नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं, 6398951930 पर आप जो है कॉल कर सकते हैं। तो ये मानकर चलिए कि 100% जो है यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी अनाउंस करेगा, और जिसने अभी से कमर कस ली तो इसका मतलब है कि वो जो है इसमें सक्सेस जो है हासिल कर सकते हैं। तो अभी से आप लोगों को ठान लेना है कि इस एग्जाम को हमको क्लियर करना है। और रही बात ऐसे स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं या कंप्यूटर साइंस के हैं या अप्लाइड केमिस्ट्री वाले हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हैं, अप्लाइड फिजिक्स वाले हैं, तो उनके लिए भी हम थोड़ा सा यहां पर प्लान कर रहे हैं, और अभी उन टीचरों से बात चल रही है जो आप लोगों को यहां पर पढ़ाएंगे, वेल क्वालिफाइड टीचर होंगे, उनसे अभी बात चल रही है। तो अभी जो है सिर्फ और सिर्फ हमने सिविल इंजीनियरिंग के लिए पॉलिटेक्निक लेक्चरर का बैच अनाउंस किया है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको इनरोल करिए, और लगभग जो है 1 फरवरी से हम इसमें क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो 1 फरवरी तक जो है आप इसको इनरोल कर लीजिए, और आज ही आप इनरोल करते हैं तो 2499 में पहले 10 स्टूडेंट को जो है इसका फायदा मिल जाएगा, और इसके बाद जो है ये फीस 3000 जो है वो हो जाएगी। तो देखिए भाई अभी सुनहरा मौका है और अभी कमर कसने का समय है, तो इस समय आप स्टेप ले लीजिए और इस पॉलिटेक्निक लेक्चरर की भर्ती के लिए आप जो है तैयार हो जाइए, ठीक है। तो अंतिम बात सर करेंगे, फिर इस सेशन को हम एंड करते हैं। देखिए दोस्तों काफी जानकारी सर ने भी दे दी आपको, कंप्लीटली दे ही दी है लगभग, बट एक मुद्दे पर यहाँ पर रख देते हैं फिर से बात। जैसे कि सर ने कह दिया है कि ये जो है 5000 से 3000 पर लास्ट में किया जाएगा, लेकिन ये जो एक क्लासेस जो स्टार्ट होंगी, अब आप देखो आपको थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा ही ना, कि भाई आज तारीख है 20 तारीख हम इसको दे रहे हैं मान लेते हैं, तो बेटा अभी फरवरी तक अल्टीमेटली 10 दिन तो आपके पास हैं ही, तो ये 10 दिन जो आपके हैं पास हैं दोस्तों, ये आपके पास दिए हुए हैं, इसलिए दिए हुए हैं 10 डेज जो दिए हुए हैं कि इस बीच हो सकता है कि कुछ बच्चे के दिमाग में चल रहा हो, कुछ कई चीज़ें चल रही हो, कोई भार हो या किसी के पास कुछ इकोनॉमिकली वो ना हो, है ना, कई सारी चीज़ें सपोर्ट की जरूरत हो रही है, जो भी है सारा का सारा तन मन और धन से ये बनाना पड़ेगा आपको इस 10 दिन के अंदर अपना, और उसके बाद सीधे इसके बाद हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारा अल्टीमेट गोल है कि दोस्तों ये जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा समय नहीं मिलेगा, तो इससे पहले हम बहुत अच्छे खासे कुछ परसेंटेज में प्रिपेयर रहें, इसके लिए हमने पहले जो है सुनिश्चित कर लिया सर ने और मैंने मिलके कि हमारे कुछ भी हो जाए ठीक है ना, हमें कोई मतलब नहीं है बच्चा इसमें आज कर रहा है कल इनरोल कर रहा है परसों कर रहा है, हमें सीधे मतलब है कि एक दिन से एक तारीख से मतलब फरवरी में हम दोनों लोगों की क्लास टाइमिंग दे दी जाएगी ग्रुप में, कि बस 3 घंटा सर का या 2 घंटा सर का क्लास, 1 घंटा सर का क्लास या 2 घंटा मेरा क्लास, 1 घंटा हिंदी का
हमारा प्लानिंग दे दी जाएगी, मतलब कि 31 तारीख को सर, 31 तारीख हम लोग जनवरी को, 31 तारीख जनवरी को ये हमारे ग्रुप जो होंगे, कोर्स के जो ग्रुप बनेंगे उसमें टाइमिंग दे दी जाएगी और तुरंत करके 1 फरवरी से हमारी क्लास शुरू हो जाएंगी। अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग वो डिसाइड कर लेंगे, जोन जोन सा सब्जेक्ट सर जो स्टार्ट करेंगे इस बैच में और जो मैं करूँगा वो ऑफलाइन की हो या ऑनलाइन की बात है, ठीक है जी। तो ये बताना था लास्ट में, मुझे लगता है कि सारी की सारी जानकारी जो भी हमको देनी थी, क्योंकि परसों जो हमने वीडियो आपको दी थी उसमें आपको यही बताना था कि हम लोग जब प्लानिंग करेंगे तो क्या क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें बता दी। तो सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, अब मुझे लगता है कि इस सेशन को अब अंत कर देना चाहिए। तो इस सेशन की अंत करते हैं यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों जैसे कि सर ने यहाँ पर नंबर भी दिया है, सारे के सारे चीज़ जो भी जो है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ने का फ़ायदा पहले आपको बता दिया है कि आपका समय बचेगा और एक पर्टिकुलर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपको चीज़ें सीखने को मिल रही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।